ये माया और परमात्मा ये बहुत नज़दीक का रिश्ता है, जिस प्रकार से प्रकृति और परमात्मा। आप इसको अलग करना चाहते हैं कि माया अलग हो जाए, परमात्मा अलग हो जाए। ये असंभव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता, माया को दूर नहीं करना है, माया को समझना है, माया को जानना है। जिस प्रकार से आप देखो, किसी जहरीले सांप को पकड़ दो आप, उसको पिटारे के अंदर रोक दो, वो रोक दिया, जब तक वो रुका हुआ है, दबा हुआ है, जब भी पिटारा खोलोगे वो अपना इसी प्रकार से गर्दन उठाएगा और डंक मारने का प्रयत्न करेगा। तो उसी प्रकार ये जो माया है, इसको कितना भी आप दबा लो, कितना दूर करने का प्रयत्न कर लो, कितना ही भगाने के लिए जतन करते रहो, ये नहीं भागने वाली, ये रुकने वाली भी नहीं। लेकिन जब आप इसको समझ जाओगे, किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने सपेरों को देखा होगा, वो सर्प को पकड़ते हैं, पकड़ा, उसकी जहर की पोटली निकाल दी, फिर उस सांप को चाहे गले के अंदर डाले घूमते रहो, कुछ नहीं कर सकता। किस छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करेगा वो, उसके अंदर जहर ही नहीं है, काटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जैसे आजकल एक और चल रहा है, बिल्लियों के पंजे निकाल देते हैं, जब वो पंजे निकाल देते हैं, बिल्ली क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर ही नहीं सकती। कई देशों के अंदर आप देखना, खोज करके, शेरों के पंजों को निकाल दिया जाता है, वो साधारण हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब आप माया को समझने लगेंगे तो माया का कोई प्रभाव ही नहीं होगा, कितनी भी कोशिश करते रहे, जब आपको पता चल जाएगा ये माया है, फिर उसको दूर करो, पास रखो, कोई प्रभाव ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको उठा उठा करके फेंकेंगे, उससे भागने का प्रयत्न करेंगे, उसे हम अगर समझ न पाए उस चीज़ को हम, तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आसान कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है।